जी और मेरे एक दोस्त जी, अच्छा सारे 25 के ऊपर वाले ही हैं, 25 नहीं 45 जिनको हो चुके शादी, नहीं करे, 45 सारे जी के क्लासमेट्स हैं। सर मेरी भी सेम समस्या है। वो तो दिख रहा है समस्या, तो सेम टैबलेट। मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, तो ओके आज मैं ये भी नहीं कह सकता कि मजाक बंद। ओके जी सर, आपको भी ये लगता है कि शादी के बाद जो आदमी जितना एंजॉय पहले करता है उतना नहीं करता बाद में जिंदगी में, लाइफ में मजा ही नहीं है जी? किस प्रकार का मजा चाहते हैं आप? मतलब क्या आपको लगता है कि बीवी परेशान करती है, बार बार पूछती है कि घर क्यों नहीं आ रहे, ऐसी चीजें? अरे बाप, ओहो, प्रणाम प्रणाम, उनको जवाब ही नहीं देने दिया। मैं समझ गया आपकी सर प्रॉब्लम। अच्छा, जवाब नहीं देने दिया, नहीं उसके बाद मुझे यूं यूं करें जैसे सेंचुरी बन गई है। जी नमस्कार मैम। सर ऐसी बात नहीं है। कैसी है? जब देखेंगे तभी तो मस्ती होगा। माइक यहाँ रखे। कैसी है, कैसी है? सर जब देखेंगे इधर को जब तो मस्ती होगा ना, जब देखने का टाइम नहीं तो फिर मस्ती। क्या बोला इन्होंने? बहुत तगड़ा सर, सारा टाइम बिजी रहना। कहाँ बिजी रहते हैं, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो फिर भी बिजी रहते हैं? Oh. अच्छा सर, पहले पहले जब काफी टाइम पहले बोलते थे साड़ी वाड़ी पहन के सब के निकलो, तो बोला ब्यूटीफुल हॉट हेमा मालिनी लग रही है, और उसके बाद से तो अभी अभी क्या बोलते हैं? हाँ जी अभी क्या बोलते हैं उनको, बोलो तब आप भी तो राजेंद्र कुमार लगते थे। तो अभी देखते नहीं भाई साहब? सर इनकम टैक्स में है ना, रेड में जाते हैं। अरे आपने पहले नहीं बताया सर, चाय लेंगे आप? दूसरों का टैक्स देख रहे हैं, अपना टीडीएस काट रहे हैं। टाइम नहीं ना? बिल्कुल आप, मैं मैडम आपके साथ हूँ। बिल्कुल थैंक यू। और बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू। उर्वशी एक बात बताओ, आप इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी माहिर हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी जी जो हैं उनके अंदर भी ये कला तो होगी। जी हाँ है। तो आज माँ बेटी को क्या बात है यार, तालियां तालियां, थोड़ा सा डांस ठोको ठोको यहाँ पे दिखाने को कहा जाए, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाय हाय क्या बात है। तो मैं क्या करूंगा, आप इतना अच्छा डांस करते हो, मैं बीच में ये सब करता अच्छा लगूंगा? नहीं आप बहुत, मैंने आपके कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आप भी अच्छे डांस। कहाँ देखे हैं, मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी। तो मेरे जी आइए मैम प्लीज, मस्ती के सॉन्ग में। हां व्हाटएवर योर फेवरेट। एक बार जोरदार तालियां ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब मिस्टर इंद्र कुमार जी के लिए। थैंक यू थैंक यू। तालियां मजेदार होनी चाहिए, और यार इतना मजा। और उर्वशी की मम्मी जी के लिए और जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और विवेक भाई आफ्ताब रितेश आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। इंद्र सर उर्वशी आप जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आई होप एंजॉय किया, बिकॉज बहुत मेहनत करके आपने फिल्म बनाई है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी चाहिए होता है। बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ आकर रिलैक्सेशन, मजा आ गया। सुपर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उर्वशी और इंद्र कुमार सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए आइए भाई आप प्लीज। पाजी रितेश विवेक और आफ्ताब तीनों ही वेल टू डू फैमिली से। अच्छा हम जितने भी एक्टर्स यहाँ पे आते हैं हम लोग उनकी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनते हैं, आपकी स्ट्रगल की कहानी हमने कभी नहीं सुनी,
स्ट्रगल क्या है कि शायद जो फिल्में मिली वो मैं करता गया, पर एक कैरेक्टर स्ट्रगल बहुत था मेरे लिए. मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी, अपना सपना मनी मनी. मैंने एक लड़की की भूमिका की थी. तो जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, मैंने सोचा भी ये लड़की की भूमिका मैं कैसे करूं. तो सबसे पहले ये था कि यू नो, अपने आप को पूरी तरह ढक लो. शोल्डर्स ब्रॉड है तो शोल्डर्स को ढक लो, और ये सब करना शुरू कर दिया. फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बहुत परेशानी. बाप रे बाप. मैं तैयार होके पहले दिन पर मैं गया और मैंने छाता नीचे कर लिया था ताकि मुझे कोई देखे नहीं. ऐसे कोने में एक कुर्सी लेकर, तो मेरे बाजू में चंकी पांडे जी आके बैठ गए. अब छाता नीचे था तो मुझे बोले कि हाउ आर यू. और मैंने कहा आई एम फाइन. ऐसे वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम मुंबई. शाम को क्या कर रहे आपको कभी वैसे तो नहीं हुआ कि जैसे कोई छोटे शहर से कोई लड़का आया और डेली सोप जो होते हैं उसकी कभी उसके लिए स्ट्रगल ऑडिशन देना पड़े? हमको कभी नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला. मौका ही नहीं मिला हमें, किसी ने मौका ही दिया नहीं. आज आपको मौका दे देते सर. क्या बात करो. हाँ, आप जो आपका दिल करे करो. सर आपसे शुरू करते हैं. सर कौन कौन पहले डेली सोप में हाथ आजमाना चाहेगा? विवेक जी. तो आपको एक किरदार देते हैं. अच्छा, कैसा? मतलब खतरनाक वाली सास जो बहू को बोलने नहीं देती है. ओके ठीक है. बहू कहाँ है? बहू मैं बन जाता हूँ. मैं स्टपनी हूँ, मैं कहीं पे फिट हो जाता हूँ. बहू तो अच्छी बात है. ओके मैं बहू आपकी. ओके क्या बात है. ओह माय गॉड. सिर में उतर ला. ओ कपिल, कपिल सिर में उतर ला ना नू. ओ सिर में उतर ला. सासू माँ, सासू माँ, भाई लागू. क्यों बुलाया मुझे? खबरदार जो मुझे सासू माँ कहा तो. इस घर में ना अपने ससुर जी को अपने पिता समान समझो और मुझे अपनी छोटी भाभी के समान. अरे सासू माँ, आपने तो सारे रिश्तों की देवर जेट कर दिया. क्या बात हुई? सब समझती हूँ मैं. हाँ, और सुनो बदतमीज, बेशरम, बेहया, सबके सामने घूंघट तो निकालो. आप निकाला करो, मेरा मुंह तो अच्छा है. Shut up! देखो मुझे ना फटाफट बच्चा चाहिए. वो भी जुड़वा, वो भी 3 महीने में. मैं आपकी बहू की जेरोक्स मशीन में हूँ अभी. मतलब कैसे कैसे? ये कोई रितेश देशमुख की फिल्म है जो हर 3 महीने में आ जाएगी. ऑडिशन हो चुके हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग कास्ट कर सकते हैं. अरे रितेश जी, अब आपकी बारी है. Oh, आजा मेरे यार. आप अपने वैंप वैंप जुल्फे इस तरफ कर ले. हाँ. जिधर जुल्फ हो जाएगी उधर ही साड़ी है. घर में बैठी स्विमिंग पूल में नहीं. चलो ठीक है. दो सहेलियां बैठी हुई हैं. आप वैंप हैं और मैं आपकी सहेली. नॉर्मल एक सीधी सादी बुढ़िया. हाँ, इसको क्या नहीं पता चलता. इसका क्या करूं मैं? हैं? हाँ यहाँ मान ले यार. ठीक है. सॉरी साउस बहु सराउंग. अरे मैं वैंप हूँ, काम करने की भाई नहीं हूँ. अब तब हम कुश्ती नहीं करने वाले, लंगोट भी पहना रहे आप. ये तो ऐसा लग रहा है सुल्तान का लंगोट है. सुल्तान का पता नहीं, सुल्तान का पता नहीं, फिलहाल मैं सुल्ताना हूँ. चलो आप वैंप हैं और मैं आपकी सहेली. जी. अरे टीना सुन, पम्मी तेरे बहू के ना चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे. हाँ मेरे को पता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो चाल चलन ऐसा हो गया. अरे पम्मी तू समझ नहीं रही है, वो चुपचाप रात को ना किसी से मिलने जाती है. तो अच्छा है चुपचाप जाती है, शर्म जाएगी, बदनामी होएगी. अच्छा वैसे सच्ची में ऐसे दाढ़ी वाली औरतें होती कितना मतलब हॉट लग रहे थे. पम्मी क्या तेरी बहू मुझ जैसी हॉट है?
मम्मी अच्छा रितेश भाई सच में बताना ये रितेश भाई सच में बताना दाढ़ी वैसे क्यों बढ़ाई हुई आपने क्या अभी 3 महीने से काम मिला नहीं है और 3 महीने तक काम है नहीं यार एक महीने में 2 बार आ चुके हमारे शो पे 2 फिल्में हाउसफुल अभी ये और उसके सच ये किसी और फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और एक बात बोलो अगले महीने भी आ रहा हूं और अच्छी बात है भाई आप ऐसी फिल्में करते रहो ढेर सारी जोरदार तालियां रितेश भाई के लिए आप अभी आपके ऊपर आप कौन सा रोल करना चाहेंगे आप दो दुपट्टे हमारे पास आए कोई मैं डिसाइड करूं भी मैंने रेंटेड रोल ही कर लो तू मत डिसाइड मैं डिसाइड इसको इसको चुड़ैल बनाओ मेरे मुंह की बात छीन ली क्या क्या नेचुरल परफॉर्मेंस आएगा बहुत जैसा चेहरा है वैसा कैरेक्टर देना जैसी पनीर जैसी चुड़ैल है ना गोरी चिट्टी अरे ऐसे क्यों हंस रही हो कोई नया चुटकुला है क्या एक्चुअली ना मैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती देख रही थी आधे में मैं हंस हंस के मर गई अब ना मुझे ग्रेट ग्रैंड मस्ती पूरी देखनी है बहुत चला के आदमी चुड़ैल बन के फिल्म प्रमोशन कर रहा है